पाकिस्तान पहुंची सेमीफाइनल, बाबर की टीम से इंग्लैंड भिड़ेगी या न्यूजीलैंड से, भारत जिम्बाब्वे मैच तय होगा। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने करो या मरो के लो स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट हराया। अब उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा या इंग्लैंड से, इसका फैसला भारत जिम्बाब्वे मुकाबले से होगा। मेलबर्न में होने वाले इस मुकाबले से पहले ही भारत ने टॉप 4 में जगह बना ली है, क्योंकि ग्रुप 2 की एक अन्य दावेदार साउथ अफ्रीका उलटफेर की शिकार हो गई। उसे नीदरलैंड ने दिन का पहले मुकाबले में 13 रनों से हराया। एडिलेड में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 25 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 32 रन बनाए थे। आखिरी में मोहम्मद हारिस ने 18 गेंदों पर 31 रन बनाए और 1 चौका और 2 छक्के लगाए, जबकि शान मसूद ने 14 गेंदों पर 24 रन बनाते हुए पाकिस्तान को जीत दिला दी और पाकिस्तान ने 19 ओवर में 128 रन बनाकर 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन ने सबसे ज्यादा 54 रनों की पारी खेली थी, अन्य कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका था, जिसके कारण बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवर में केवल 127 रन बना सकी थी। सो दोस्तों, पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।